हेलो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं ऐसे ही स्वादिष्ट रेसिपीज आपको रेगुलरली मिलती रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आजकल बारिश का मौसम है तो मैंने सोचा कुछ तीखा चटपटा बनाते हैं, तो आज हम बनाएंगे पकौड़ियाँ कुछ नए स्टाइल में। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। पकौड़ी के लिए चाहिए हमें 1 कप बेसन, मतलब 200 ग्राम बेसन, 1 चम्मच गेहूँ का आटा, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें ऐड करें। नमक डालने के बाद बेसन में सारी चीजों को मिक्स कर देना है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमें एक थिक पेस्ट रेडी करना है। पेस्ट की थिकनेस आप देख सकते हैं, बिल्कुल ये फ्लो में होना चाहिए। अब हमें लेना है 2 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक और 1/2 चम्मच जीरा। अब इन सभी चीजों को हमें दरदरा कूट लेना है। सारी चीजें कूट गई हैं। अब हमें लेनी है सब्जियां, तो सब्जियों में हमें लेना है 3 प्याज और 1 टमाटर। अब हमें प्याज को बीच में से कट करना है और इसे हमें इसे कप जैसा शेप बना लेना है, और टमाटर को हमें राउंड शेप में कट करना है। अब हमें लेने हैं 4 उबले हुए आलू और आलू को मैश कर लेना है। तो पकौड़ी बनाने के लिए हमने पहले से ही कुछ चीजें रेडी कर ली हैं। अब हमें आलू को फ्राई करना है, जिसके लिए हमें लेना है पैन में 3 चम्मच तेल। तेल डालने के बाद इसमें डाल देना है 1/2 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच सौंफ, 1/4 चम्मच हींग, कुटा हुआ अदरक, मिर्च और जीरा इसमें डाल देना है और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक भुनने देना है। सारी चीज़ें अच्छे से भुन गई हैं। अब इसमें डाल देना है 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर, और इसमें मैश किए हुए आलू को डालना है और आलू में मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब इसमें डाल देना है 1/2 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच आमचूर पाउडर, और इन सभी चीज़ों को 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर भुनने देना है। 2 से 3 मिनट हो गए हैं और सारी चीज़ें अच्छे से भुन गई हैं। अब इसमें डाल देंगे कटी हुई धनिया। अब हमें लेना है प्याज के जो कप्स, और इसमें मसाले वाले आलू को भर के उसके ऊपर हमें टमाटर की लेयर लगा देनी है, और इस तरह से ही हमें सारी पकौड़ियाँ रेडी कर लेनी है। तेल गरम है। अब बनाई हुई जो पकौड़ियाँ हैं उसको हमें बेसन में लपेट कर के ऑयल में डीप फ्राई करना है। और एक एक करके हमें इसमें सारी पकौड़ियाँ डाल देनी है और 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई होने देना है। पकौड़ियाँ नीचे से गोल्डन ब्राउन हो गई हैं। अब हमें इसे पलट लेना है और नीचे से भी हमें इसे गोल्डन ब्राउन होने देना है। पकौड़ियाँ दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो गई हैं। अब हमें इसे निकाल लेना है प्लेट में, और रेडी है हमारी गर्मा गर्म पकौड़ियाँ। मेरी ये पकौड़ियों की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और हमें बताएं आपको ये कैसी लगी। और मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।